गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद रॉक्सी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो गाइस आज मैं सुबह सुबह रेडी इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ कॉलेज में स्कूल रेवेन्यू लेने के लिए, क्योंकि गाइस हमारी जो इंटर्नशिप की स्कूल थी ना वो डिक्लेयर हो चुकी है और उसका रेवेन्यू लेने के लिए हमें कॉलेज जाना पड़ेगा। तो गाइस हम चलते हैं कॉलेज, 10:30 बजे से पहले हमें कॉलेज पहुंचना होगा गाइस। तो गाइस हम कॉलेज के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में मैंने दोस्त को बुलाया है, उसकी बाइक पे जाने वाले हम। तो गाइस उसको मैंने कॉल कर दिया, वो आता ही होगा और हमें पिक कर लेगा गाइस, क्योंकि वो भी मेरी कॉलेज में पढ़ता है। हम दो दोस्त हैं जो एक साथ मिले गाइस, तो वो आता ही होगा गाइस। तो हम चलते हैं कॉलेज गाइस। चलते चलते तकरीबन हम 1 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और वो साला अभी तक नहीं आया बाइक लेके, पता नहीं कहाँ रुक गया है। तो गाइस मैं उसको एक बार फिर से कॉल करता हूँ, देखते हैं कहाँ तक आया है वो। तो गाइस आ चुका है साला कमीना। बहुत टाइम के बाद आया, देखे 1 किलोमीटर आ गया कम से कम। न्यू बाइक जन्नाटेदार है। तो गाइस चलते हैं हम अब कॉलेज को। तो गाइस हम लगभग कॉलेज पहुंचने वाले हैं और रास्ते में है ना अपनी बाइक को धुलवाने लग गए। देखे गाइस हमारी बाइक धुल रही है, ये भैया अच्छे से बाइक को वॉश कर रहे हैं, गंदी हो गई थी, ये कीचड़ में चल रही थी गाइस। गाँव में बहुत कीचड़ होता है ना, इसलिए बाइक को धुलवा लेते हैं फिर निकलते हैं कॉलेज की तरफ। गाइस देखे वॉश हो चुकी है अपनी रानी, कंप्लीट हो चुकी है गाइस। देखे चारों तरफ से लुक कितनी प्यारी लग रही है गाइस, पहले बहुत गंदी हुई पड़ी थी, कीचड़ हो रहा था, बिल्कुल फाइन है गाइस ये, अच्छे से इसको वॉश कर दिया गाइस। तो अब निकलते हैं कॉलेज की तरफ। गाइस फाइनली हम कॉलेज पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे हमने रेवेन्यू लेना है गाइस स्कूल इंटर्नशिप का। तो देखते हैं हमें रेवेन्यू लेने में कितना टाइम लगता है। देखिए गाइस ये रही हमारी कॉलेज, चेक कीजिए, ये इधर से लेके यहाँ तक बहुत बड़ी बिल्डिंग है गाइस, ये हमारी कॉलेज है और हम इस बाइक से आए गाइस। तो हम चलते हैं अंदर, देखते हैं ऑफिस में क्या कहते हैं सर। तो गाइस हम कॉलेज का पूरा काम कंप्लीट करके घर आ चुके हैं। तो गाइस हमने कॉलेज का काम किया, उसके बाद में हम मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद हमने अपने पेंट को ठीक करवाया, उसके बाद में मैं मेडिकल गया, वहां से मैंने रोक्स के लिए डिवॉर्मिंग की दवाएं ली, फिर हम बुक डिपो पे गए, वहां से मैंने बीए बीएड की मेरे लिए पढ़ने के लिए सीरीजें खरीदी गाइस, और उसके बाद हम सीधा चले आए हमारे नाना के घर। और गाइस आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि मैं और क्या लेके आया हूँ गाइस, आप देख के बिल्कुल खुश हो जाओगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। चेक गाइस ये मेरे इंटर्नशिप के लिए 1 महीने के लिए मैं मामा की गाड़ी लेके आया हूँ गाइस, इसी पे मैं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास ओनली एक ही गाड़ी थी जिसमें पापा भी चलाते और मैं भी चलाता हूँ। तो गाइस उस गाड़ी से हम परेशान हो जाते क्योंकि मेरी 1 दिन का काम नहीं था, तकरीबन 1 महीने के इंटर्नशिप है गाइस, तो हम डेली के डेली एक ही गाड़ी से परेशान हो जाती, इसलिए मामा ने मेरे साथ में अपनी एक गाड़ी भेज दी कि इस इंटर्नशिप दे आराम से पढ़, तू कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस मैं कॉलेज से तो आ चुका हूँ, कॉलेज से अलॉटमेंट लेके आ चुका हूँ गाइस, अब इसको गाइस जो कॉलेज में अलॉटमेंट दिया था उसको जाके मुझे स्कूल में जमा करवाना है, तो मैं चलता हूँ। हेलो गाइस, तो शाम का टाइम हो रहा है, हम रोक्सी को लेके आए खेतों में। आज गाइस ना सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, पहले मैं कॉलेज गया, फिर कॉलेज से आने के बाद में मार्केट गया, मार्केट से हमने कुछ सामान खरीदे, उसके बाद में मैं घर आया, फिर घर से मैं फिर से स्कूल में गया। स्कूल में गाइस मुझे कम से कम 3 घंटे का टाइम लगा है गाइस, और वहां से मैं अब घर आया हूँ, घर आके रोक्सी को संभाला है। और गाइस वो देखिए वो रही अपनी रोक्सी, वहां पे गेहूं के खेतों में जा चुके, तो उसको इधर साइड में बुलाते हैं। तो गाइस आज है ना ब्लॉग थोड़ा छोटा आएगा, वो 5-7 मिनट का ब्लॉग नहीं होगा गाइस, वो छोटा भी हो सकता है क्योंकि गाइस आज है ना बिजी शेड्यूल है, क्योंकि गाइस जो मेरे दादा एक्सपायर हुए थे ना उनका आज 11वां है और कल उनका 12वां है गाइस, तो बहुत सारे मेहमान है, तो मुझे घर जाके काम संभालना पड़ेगा गाइस। वहाँ पे पापा है लेकिन मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि शाम का टाइम है, तो बहुत ज्यादा मेहमान आ रहे हैं गाइस आज। गाइस आपको बता दूं कि हम आज रोक्सी के लिए डिवॉर्मिंग की टेबलेट्स भी लेके आए, मैं डिवॉर्मिंग की टेबलेट्स का जो फोटो होता है वो मैं ऊपर दे दूंगा गाइस, आप देख लेना कौन से मैं डिवॉर्मिंग के लिए कौन सी टेबलेट यूज करता हूँ। और गाइस रोक्सी बिल्कुल हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। और गाइस क्या है ना हम आज रोक्सी को अच्छे से एक्सरसाइज भी नहीं करा पाएंगे, ज्यादा टाइम के लिए घुमा नहीं पाएंगे, तो इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट ही घुमा पाएंगे गाइस, क्योंकि गाइस आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि रोक्सी को टाइम दे सकूं। तो गाइस हम थोड़ी देर ऐसे ही नॉर्मली घूमने देते हैं रोक्सी को, फिर ये अच्छे से थक जाएगी, मतलब घूम घूम के इसका मन भरने लग जाएगा, तो गाइस इसको हम घर लेके जाएंगे और वहां पे इसको बांध देंगे, फिर इसके डाइट का टाइम हो जाएगा तो इसको डाइट दे देंगे गाइस। गाइस देखिए रोक्सी मेरे पास आ रही है और मुझे ये बोलना चाहती है मतलब मैं कि मेरे साथ खेलो, बट गाइस आज मुझे टाइम नहीं है, तो बस ऐसे ही थोड़ी देर घूम लेना तो अच्छा होगा। और गाइस देखो कुएं के बिल्कुल पास चले गए, तो मैं उसको बुलाता हूँ गाइस, कहीं वो कुएं में गिरी ना जाए। तो गाइस हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके खेतों में और मैं रोक्सी को बांधता हूँ गाइस और घर की तरफ लेके चलता हूँ। तो गाइस हम घर आ चुके हैं और रोक्सी को मैंने खाना दे दिया है, उसने कम्प्लीटली खा लिया है गाइस अच्छे से, उसमें लेवर टोनी थोड़ा ऐड किया था। तो गाइस ये थे हमारे आज की वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस।